स्मार्ट सिटी द्वारा सिग्रा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्निर्माण के चलते मुख्य मैदान लंबी अवधि के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में एक नोटिस चस्पा कर दी गई है। आज सुबह जब खिलाड़ी और मॉर्निंग वॉकर स्टेडियम पहुंचे तो मैदान को बंद देख हतप्रभ रह गए। जब नोटिस पर नजर पड़ी तो माजरा समझ में आया। जानकारी करने पर पता चला कि स्मार्ट सिटी द्वारा मुख्य मैदान को दो भागों में बांटकर विकास किया जाएगा। एक भाग में क्रिकेट की फील्ड तो दूसरे भाग में फुटबॉल का मैदान बनेगा। इस निमित्त दर्शक दीर्घा भी अलग से बनेगी। पुरानी दर्शक दीर्घा को तोड़ दिया जाएगा। पुरानी दर्शक दीर्घा के चारों तरफ लगे सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है। इसमें न सिर्फ हजारों पक्षियों का आशियाना छिन गया बल्कि दर्शक दीर्घा की शीतलता भी चली गई। स्टेडियम का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में स्विमिंग पूल के साथ साथ बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण किया जा रहा है तो दूसरे चरण में मुख्य मैदान में निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकंभरी नंदन ने बताया कि प्रथम चरण का कार्य अगस्त 2023 में पूर्ण होगा, वहीं दूसरे चरण का कार्य सन 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।